Hello viewers, it's the opening ceremony of the Prime Minister Youth Camp in the border area Wollongong 2024. Let me remind you that the same event, the first edition of the same event was held at Mechuga Shiyomi District 2023. The event is being organized by the Directorate of Secondary Education Government of Arunachal Pradesh. The Prime Minister Youth Camp in the border area is a concept to empower the youth, especially the students from NCC, NSS, Scouting Guide, and sportsperson comprising all the 26 districts from Arunachal Pradesh. The opening ceremony of this event will be graced by Sri Markin Kadu, Directorate of Secondary Education, Government of Arunachal Pradesh, as a chief guest, and Sri Milo Kojan, Deputy Commissioner of Anjao District, as the guest of honor. Guests and a guest of honor, I would like to start the formal program. ये हमारा बॉर्डर एरिया में कंडक्ट करना है, तो इसलिए मेचुका में भी हम लोग लास्ट ईयर कंडक्ट किया है। अभी इस बार वालों को हम लोगों ने चूज़ किया है। ये बॉर्डर एरिया भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी यही इंस्ट्रक्शन था कि बॉर्डर एरिया को लोग देखें और हमारे बच्चे बॉर्डर एरियाज में देखें, इसलिए बॉर्डर एरियाज में ही कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट ईयर आने वाले सालों में भी हम कंडक्ट भी करेंगे, बॉर्डर एरियाज में ही करें। ये नेशनल इंटीग्रेशन और हमारे बच्चों को, आज के यूथ्स को, युवा पीढ़ी को कैसे प्रिपेयर किया जाए, उसी को लेके बहुत कुछ यहाँ में सिखाया जाएगा। तो हमारे एजेंडा में बहुत कुछ है, यूथ्स को सब कुछ है इसमें, कल्चरल से लेके गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जैसा रॉक क्लाइंबिंग और आर्मी में आर्मी लोग कैसे रहते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये आर्म्स एंड एमुलेशंस का डेमोन्स्ट्रेशन, सब कुछ यूथ को दिखाएंगे। सर, एक समय था जब कैपिटल के बच्चे जो मतलब जो बॉर्डर एरिया में नहीं रहते, वो बाहर मतलब जैसे बॉर्डर एरिया देखने को नहीं मिलता था, लेकिन सर आपको क्या लगता है, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये जो यूथ कैंप हो रहा है, इससे सर जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, जो प्लेन एरिया जो हमारे सर कैपिटल हो गया, जो बॉर्डर नहीं देख पाता, उन बच्चों को सर किस तरह से मतलब एक फ़ायदा मिल रहा है और उनको क्या-क्या? नहीं, ये आपने बहुत एकदम इम्पोर्टेंट बात कही है कि हमारा अरुणाचल में इतना अरुणाचल ज्योग्राफिकली इतना वास्ट है, तो तावांग के लोग, लोंगडी के लोगों को नहीं मालूम वहाँ में क्या लोग रहते हैं, कहाँ के लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, कुछ भी मालूम नहीं होता है। जैसा हमने ये जस्ट एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, तो तावांग में हम लोगों ने एक, हम जब डीडीएससी रहा करते थे बोमडिला में, एक इंटरव्यू में हमने मेंबर बैठा, उसमें देखा है कि मालिनी तान कहाँ है, पूछा है तो मालिनी तान राजस्थान में बोलता है। तो ऐसा टाइप का अरुणाचल के लोगों, बच्चों में भी और हमारे बुजुर्ग लोगों में भी अरुणाचल के दूसरा जगहों को वो लोग मालूम नहीं है। तो इसलिए ये यूथ्स को यहाँ बॉर्डर एरियाज में, जो कभी वालों को नहीं देखा ना ही सुना भी होगा, ऐसे लोगों को यहाँ लाया। और लास्ट टाइम हम लोग मेचुका में लेके गए और आने वाले सालों में ऐसे ऐसे बॉर्डर एरियाज में ले जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें, क्योंकि लोग कैसे रहते हैं, कैसा क्या खाते हैं, पीते हैं, कल्चर क्या है, एक दूसरे से मालूम। तो ये यूथ एम्पावरमेंट दे रहा है, बिकॉज़ ये जो हम लोग का ये यूथ जो है, एनसीसी हो गया, आपका कैडेट्स हो गया, अब स्काउट्स हो गया, गाइड्स हो गया, उन सब को एक्सप्लोर करने के लिए बॉर्डर एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में कैसे आर्मी लोग रहता है, किस तरह का आर्मी लोग रहता है, उसका साथ साथ उनको ट्रेनिंग देने के लिए कुछ साइकिलिंग एक्सपेडिशन होगा, रैली होगा, या कुछ मतलब आप डिसास्टर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग होगा, किस तरह से डिसास्टर मैनेजमेंट होने से उसको टैकल करना है, डूस एंड डोंट्स उसको दिखाना है। बिकॉज ये यूथ जो है वो जो फ्यूचर ऑफ द नेशन, दे आर द फ्यूचर ऑफ द स्टेट, सो बेसिकली उन लोगों को ट्रेनिंग ये सब देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उन लोग की बाद में फ्यूचर में उन लोग की स्टेट को चलाएंगे, उन लोग ही नेशन को चलाएंगे, सो दे शुड बी फिट इन फिजिकल एंड मेंटल। सो इसलिए साथ साथ में ये एक एक्सचेंज टाइप का हो गया, बिकॉज हमारा अरुणाचल में मैंने इतना डिस्ट्रिक्ट है, इतना ट्राइब्स है, देर आर 24 मेजर ट्राइब्स एंड 100 सब ट्राइब्स, बट देर कस्टम्स
उसका रहना है, रहना उसका ड्रेस कोड बहुत अलग अलग है, लैंग्वेज डायलैक्ट अलग है, तो उस सब चीज़ को यहाँ में क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट से आता है अमोंग देम्स दे आर इंटरेक्टेड ईच अदर, हेलो सो वो इंटरेक्शन में वो ही और लोगों को जानकारी मिल रही है। जैसे कि यहाँ में अंजर डिस्ट्रिक्ट का है तो वहाँ वेस्ट कमिंग से आ रहा है, ईस्ट कमिंग से आ रहा है, मिडिल ऑफ द बेल्ट ऑफ द स्टेट से आ रहा है, उन लोग का आपस में मिलना मतलब उसका मतलब उनका उन लोग का कैसे रहन सहन, उन लोग का कल्चर कैसा है, उन लोग का जो है ड्रेस कोड कैसा है, वो सब जानकारी मैंने वो बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए ये जो कैंप जो है एक बहुत अच्छा एक ये है उन सब के लिए, हमारा यूथ के लिए।